गाना कौन गा रहा है? किशोर, उठो ना किशोर। देखो स्वाति, प्लीज मुझे नींद आ रही है, सोने दो यार। चिप जाओ ना, लुक चिप जाओ ना, ऐसे चुप चुप मुझे सताओ ना, ऐसे चुप चुप मुझे सताओ ना। अरे आप किशोर जी, आप किशोर हैं ना? अरे थोड़े दिन तो पहले आप मेरी दुकान से टॉयज लेकर गए थे और अब ये हाल? ये डॉल मेरे घर क्यों भेजी? मैंने तो कोई डॉल नहीं भेजी। उस गुड़िया ने मेरी बीवी को मार डाला, इसमें है वो गुड़िया। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता पर वो थी। किशोर जी, अरे आइए आइए गौरव जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं।
दरअसल आज ही कुछ नए टॉयज आए हैं। तो एक काम करिए, हमारी प्यारी भतीजी के लिए सबसे बढ़िया वाले टॉयज दिखाइए। जरूर जरूर, देखिए आइए। मुझे नहीं देखने कोई टॉयज। साक्षी। अरे साक्षी बेटा, ये देखो कितना सुंदर है। साक्षी। मेरा कार्ड, हम लोग होम डिलीवरी भी करते हैं। अगर आपको कोई भी गेम या कुछ और चाहिए तो बस एक फोन कर दीजिए। जी, I'll do that. Thank you. गौरव, साक्षी कहाँ गई? साक्षी यहीं कहीं होगी। तुम चलोगी ना मेरे साथ मेरे घर? बनोगी ना मेरी दोस्त? मैं तुम्हारा नाम रखूंगी डॉली। अच्छा नाम है ना, पसंद आया तुम्हें? साक्षी, साक्षी ये लो, यहाँ पे है ये। चाचू, चाची, मुझे ये गुड़िया चाहिए। चलो फाइनली इसे कुछ तो पसंद आया। अरे अरे ये गुड़िया, अरे बच्चे इस गुड़िया को हाथ मत लगाओ, इसे रख दो। आप प्लीज बोलिए, आप बोलिए, इसे ना पकड़े। क्यों, क्या हो गया? अरे ये गुड़िया बर्बाद कर देती है सर। क्या बोल रहे हो आप? गुड़िया कैसे बर्बाद कर सकती है? ये जहां भी जाती है सर, वहां तबाही मचा देती है, और फिर सब कुछ बर्बाद कर देने के बाद ये वापस यहाँ आ जाती है। ये इसे कोई कस्टमर सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि गुड़िया अपने कस्टमर को सेलेक्ट करती है। मेरे एक कस्टमर मिस्टर किशोर कल ही इसे यहाँ लेके आए, और उन्होंने इसे खरीदा नहीं था, ये खुद उनके घर पहुंच गई थी। मेरी आंखों के सामने मिस्टर किशोर की इस दुकान के बाहर एक्सीडेंट में डेथ हो गई सर। क्या अनाप शनाप बेतुकी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं आप? इट्स जस्ट अ टॉय, डॉल है ये। कुछ भी बोल रहे हैं, हमें ये गुड़िया नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ये गुड़िया नहीं चाहिए। साक्षी बेटा आप चलिए यहाँ से। चाची पर मुझे ये गुड़िया चाहिए चाहिए चाहिए। साक्षी मैंने कहा ना, ये डॉल बहुत गंदी सी है। देखिए मैडम, आप इस डॉल के बारे में कुछ गलत मत बोलिए। मिस्टर किशोर की वाइफ ने भी इस डॉल के बारे में गलत कहा था, और उनकी डेथ हो गई। साक्षी आप चलो यहाँ से। आप दोनों मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मेरे साथ कभी नहीं खेलते, आप दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। डॉली मुझे प्यार करेगी, मैं इसको प्यार करूंगी, और हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। साक्षी क्या हो गया आपको? चलो यहाँ से। साक्षी तुम गुड़िया को छोड़ो प्लीज, हम अच्छी वाली गुड़िया लेंगे। वन सेकंड, आई विल हैंडल। मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे ये डॉल चाहिए। साक्षी जिद मत करो। तो सुनो, वन सेकंड, आप मेरी बात तो सुनो, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैं आपको अपना इलाज करवाइए।
काली, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे लगा आप हम कभी नहीं मिलेंगे। काली अच्छा हुआ तुम आ गई, यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई अच्छे से बात नहीं करता। तुम करोगी ना मुझे प्यार? कोई हग नहीं करता मुझे यहाँ। साक्षी, किससे बात कर रहे हो बेटा? Why didn't you sleep? मैंने सोने के लिए कहा था ना आपसे। ये क्या छुपा रहे हो साक्षी, बताओ मुझे। बेटा मैंने आपसे पूछा आप क्या छुपा रहे हो, दिखाओ मुझे। कुछ नहीं। साक्षी, ये तो वही डॉल है, ये आपके पास कहाँ से आई? बोलो, चोरी की आपने? साक्षी मैंने पूछा चोरी की आपने? नहीं चाची, मैंने चोरी नहीं की, मैंने ये डॉल नहीं चुराई। तो फिर ये आपके पास आई कहाँ से? अगर आपके चाचू को पता चला ना वो आपसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वेरी डिसअपॉइंटिंग साक्षी। चाची, चाची प्लीज, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बिल्कुल मस्ती नहीं करूंगी, किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी मैं। प्लीज आप मुझे मेरी डॉल दे दो। साक्षी, शट अप एंड गो टू स्लीप। ईशा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? गॉड, मैंने एक डॉल देखी, मेरा चेहरा डॉल जैसा हो गया था, मुझे बहुत डर लगा। ईशा, 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 क्या बोल रही हो? डॉल जैसे दिख रही थी, यहाँ यहाँ कौन है? तुम हो, मैं हूँ, कोई भी नहीं है। डॉल कहाँ से आई? कौन है? मुझे देखा, मैं डॉल जैसे दिख रही थी, मेरे चेहरे पे राजी। अच्छा 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 बाजा, अच्छा बस 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 बस। अच्छा एक बात बताओ, तुमने दवाई खानी बंद कर दी ना? ये उसी वजह से हो रहा है ईशा। तुमने क्यों दवाई खानी बंद कर दी बाबा? ये तुम्हारे पैनिक अटैक एक बार फिर आने शुरू हो गए। छुप छुप
ईशा 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ गुरु वो मेरे वहां पे उसको देखा ईशा कोई नहीं सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है सिंदूरा डॉक्टर को फोन किया कि नहीं हां हां किया गुरु वो मुझे मार डालेगी कोई नहीं मारेगा ईशा कोई नहीं है वहां पे ईशा कोई नहीं है यहां पे मुझे कल क्या कहा था कि तुमने एक डॉल देखी थी लेकिन तुमने डॉल को घर से बाहर फेंक दिया मैंने तो डॉल को फेंक दिया था लेकिन वो डॉल वापस आ गई और वो यही है हमारी बातें सुन के गौरव में मार डालेगी अच्छा ठीक है रुको काम डाउन तुम्हारी तसल्ली के लिए बाहर देख के आ बस लेकिन चुप एकदम चुप काम डाउन साक्षी यहाँ क्या कर रही हो चाची को क्या हुआ है बेटा चाची की तबीयत थोड़ी खराब है आराम करेंगी ठीक हो जाएंगी आप जाओ अपने कमरे में जाओ मैंने आप लोग के लिए कार्ड बनाया हाँ कार्ड हम आराम से बाद में देख लेंगे इस समय चाची को आराम करने की जरूरत है ना इस समय आप अपने कमरे में जाओ मुझे एक बार चाची को हग करना है बेटा अभी चाची को इस समय आराम करने दो सिंदूरा जी सर चाची को बाद में मिलेंगे चलो कुछ नहीं कोई नहीं था कोई नहीं था कोई नहीं था कोई नहीं था साक्षी थी तुम्हारे पास भेजने टाइम है मम्मी पापा को तो गॉड जी ने बुला लिया चाचा चाची के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे लिए साक्षी साक्षी कहाँ हो इसे देखा डॉली ये सिंदूरा बिना हमेशा डांटती रहती है अच्छा डॉली मैं बाद में आती हूँ साक्षी तुम नाश्ते के लिए क्यों नहीं आ रही हो और तुम रो क्यों रही हो डॉली अरे मेरी डॉली कहाँ चली गई कौन डॉली किसकी बात कर रही हो डॉली वो मेरी डॉल है तुम मुझे पागल कर दोगी अरे क्या हुआ नहीं कुछ नहीं चुप चाप बाकी बच्चों की तरह बर्ताव क्यों नहीं करती हो तुम डॉली तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना पक्का मुझे तुम छोड़ के कभी नहीं जाओगी चाचा चाची ने मुझे गुड नाइट भी नहीं बोला ऐसे ही सो गए सब तुम मेरे साथ रहोगी हाँ हाँ साक्षी साक्षी इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो चलो जाओ सो जाओ रात बहुत हो चुकी है चलो उठो चलो मुझे मेरे डॉली के साथ बात करनी है Yeah.
मैंने कहा था ना गौरव तुमसे, ये सब कुछ उसी डॉल की वजह से हो रहा है, और सिंदूरा भी उसी डॉल की वजह से मर गई। हम श्योर हैं साक्षी ने उस स्टोर से उस डॉल को चुरा लिया होगा, और अब वो डॉल इसी घर में है हमारे बीच। गौरव आई कैन फील हर, तुम भी ध्यान से देखो, तुम्हें भी दिखेगी। गौरव मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। साक्षी रो क्यों रही हो, मेरे पास आओ। चाचा चाची मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करते, सिंदूरा भी चली गई, अब यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नफरत है मुझे उस बच्ची से, मैंने कहा था तुमसे कि इस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, पर तुम तो भगवान बनने चले थे। देखा ना तुमने क्या हुआ। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ईशा बच्ची है वो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि साक्षी कहीं से कोई डॉल उठा के ले आई है और वही डॉल ये सब कुछ कर रही है, राइट? तो ठीक है, एक बार मैं साक्षी के रूम में जाके चेक करूं कि वाकई वहां कोई डॉल है भी या नहीं। मैं डॉली की दोस्त हूँ और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ना, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ना? कभी नहीं जाऊंगी। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब हम दोनों साथ साथ रहेंगे, बहुत मजा आएगा, हम बहुत खेलेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मुझे हमेशा ऐसे हक करोगी ना? साक्षी आप किससे बात कर रहे थे? साक्षी मैंने खुद सुना है, आप रजाई के नीचे किसी से बात कर रहे थे, कौन था? कोई नहीं था यहाँ पे, मैं किसी से बात नहीं कर रही। देखो साक्षी, चाचू आपसे कुछ पूछने आए हैं, चाचू को झूठ नहीं बोलना। हाँ एक बात बताओ, आपके पास कोई डॉल है? देखो चाचा को झूठ मत बोलो, बताओ। तो गड़बड़ है ईशा, समथिंग इज नॉट राइट, है ना? तुमने डॉल देखी ना वहाँ? थी ना डॉल वहाँ पे, है ना? साक्षी के रूम में कोई डॉल नहीं, लेकिन जब मैं उसके रूम में गया तो ईशा साक्षी बेडशीट के नीचे किसी से बात कर रही, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने मना कर दिया। तुम्हारा आइडिया एकदम सही है, हमें जल्द से जल्द साक्षी को किसी बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए। साक्षी बाय बेटा।
सो गए। हेलो अंकल। लुक चिप जाओ ना, लुक चिप जाओ ना, ऐसे छुप मुझे सताओ ना, ऐसे छुप मुझे सताओ ना। लुक चिप जाओ ना, ऐसे छुप मुझे सताओ ना। ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना। लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप मुझे सताओ ना। ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना। अरे आओ ना चाची। तुम ऊपर से नीचे कैसे आ गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो साक्षी? चाचू का है तुम्हारे? चाचू का है? चाचू ने मेरी बात मान ली और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? क्या हुआ चाची? चाचू का फोन नहीं लग रहा? याद आ रही है उनकी? जब किसी बच्चे को अपने मम्मी पापा की याद आती है तब आप क्या करती हो? उन्हें प्यार करती हो या उन्हें डांटती हो? तुम्हारे चाचू कहाँ हैं? कहाँ तुम्हारे चाचू? वहीं जहाँ उन्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, और अब मैं आपको भी वहीं भेज दूंगी। चाची दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ईशा मैं हूँ। गौरव, ईशा को बोल, उस डॉल में कुछ है ईशा। हेलो अंकल, आप किसे बोर्डिंग स्कूल ले जा रहे हो? मैं
वो लड़की साक्षी है नहीं है हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन लेकिन जब तक वो डॉल है ना, वो डॉल और वो लड़की जिसे मैंने गाड़ी में देखा, जब तक वो दोनों है हमारा बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए 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 हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकालेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लुकी छिप जाओ ना गौरव, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप गा रहे हो चाचा चाची, आप कहीं नहीं जा सकते। आपने मुझे नाराज किया, अब आप भी खुश नहीं रह पाओगे। अब तुम चिंता मत करना साक्षी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब से तुम इस डॉल में रहोगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चाचा चाची, आपने मुझे प्यार नहीं किया, और जो मुझे प्यार नहीं करता उसे पनिशमेंट मिलती है। मुझे नए टॉयज दिलाने ले चलो चाची, आप मेरा वो फेवरेट वाला केक बनाओ ना। साक्षी को वो सब नहीं पसंद था, पर मुझे पसंद है। खोलो खोलो ना दरवाजा। सेम डॉल, अपना घर, ऑर्फनेज, एक तानिया नाम की 10 साल की लड़की की मौत। उसकी मौत कैबिनेट में सफोकेशन की वजह से हुई थी, और मरते वक्त उसके हाथ में डॉल थी। कोई बचाओ मुझे, मुझे प्लीज बचाओ। जब मैं गाड़ी चला रहा था वो यही लड़की थी, यानी कि मुझे गाड़ी में तानिया की आत्मा दिखी, और इस समय तानिया की डॉल ईशा के हाथ में, यानी कि साक्षी के अंदर इस लड़की तानिया की आत्मा है। और हो रहा हो, उस टॉय शॉप के ओनर को इस गुड़िया से बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर पता होगा। उसका कार्ड भी है हमारे पास, बस किसी तरह हमें तानिया को वहां तक ले जाना होगा। देखो ईशा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। आपको कुछ गलत फहमी हुई है अंकल, आंटी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते बेटा,
आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचना। देखो आंटी को चोट लग जाएगी ना, ऐसे ऐसे मैं कैसे नहीं करता ना। प्लीज प्लीज आंटी को उतार दो, आंटी को प्लीज उतार दो बेटा। आपको जो चाहिए हम आपको लेके देंगे। आपको सारे अच्छे से अच्छे टॉय लेके देंगे। आपको आइसक्रीम पसंद है, हम आपको आइसक्रीम खिला ले जाएंगे। इतना है, हम दोनों आपके साथ सब कुछ करेंगे। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। आंटी को प्लीज उतार दो बेटा। ईशा ईशा उठो उठो। ये तानिया है, ये बहुत अच्छी लड़की है। देखो इसको मैंने कहा कि तुम्हें तंग ना करे, इसने इसने तुम्हें छोड़ दिया। अब हम दोनों मिलके इसे बहुत बहुत प्यार करेंगे, है ना? हाँ हाँ, हम बहुत प्यार करेंगे। ये तानिया, हमारी तानिया, ये तानिया है। इसको इसको जो चाहिए हम इसको देंगे, है ना? देखा साक्षी, अब चाचा चाची हम दोनों से बहुत प्यार करेंगे। आजो, अरे आप लोग खा गए भाई साहब। वो जो मैंने आपको मैसेज किया था और बहुत सारे खिलौने ऑर्डर किए थे, वो आपने मंगवा लिए ना? आ गए ना सब? वो तैयार है, अगर अगर आप कहें तो मैं नीचे गोडाउन से लेके आपको दिखा दूं। नहीं 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 भाई साहब, हमने हमने हमारी हमारी प्यारी तानिया के लिए हमने बड़ा सरप्राइज आपको कहा था ना देने के लिए, तो जितने भी टॉयज हैं हम अपनी तानिया को वहीं जाकर दिखाना चाहते हैं। आप आइए मेरे साथ गोडाउन में, आइए आइए मेरे साथ। आओ तानिया, सॉरी सर, बहुत सारे टॉयज हैं। आज आज आपकी 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 पसंद के सारे फेवरेट टॉयज हमने इसमें, बहुत सारे टॉयज हैं ना इसमें 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 ना। हां हां, ईशा ईशा, मैं इसके अंदर जाऊं? हां जाओ ना, अंदर जाओ, जाओ जाओ ना, जाओ। एक काम करो, ये डॉल मुझे दे दो, आप अपने फेवरेट टॉयज देखो मुझे जाके दो। हाँ। दे दो मुझे। हम्मी साक्षी। हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, कितने अच्छे टॉयज हैं देखो। ईशा बंद करो। अंकल अंकल खोलो खोलो, अंकल खोलो दरवाजा खोलो, चाचा मुझे बचाओ, तानिया अच्छी नहीं है, उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। आप मुझे इस बॉक्स में बंद नहीं कर सकते, आप भूल गए मैं साक्षी की बॉडी में अपनी मर्जी से गई थी। बचाओ, पहले खोलो, ये बहुत खतरनाक है, बचाओ मुझे, आप लोगों ने मेरी खोलो और मुझे भी बचा दिया। मैं जा रहा हूँ खोलो। आप बहुत बुरे हो अंकल और आंटी। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी, तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे शेयर करना, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं करने दूंगी। I'm really sorry साक्षी, we really love you। अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी, हमारे साथ रहोगी हमेशा।
लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे